बड़ी खबर है उज्जैन से, सीधा रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। योग माया आश्रम में बड़ी चोरी हुई है, 50 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए चोर ने। देखिए चिंतामन बाईपास रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है, चिंतामन बाईपास रोड की ये घटना है। पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया है तो कोई छोटी मोटी रकम की चोरी नहीं है, 50 लाख रुपए के आभूषण की चोरी हुई है। संतोष कृष्णानीपुरी खबर पर अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, कौन क्या चोरों का खुलासा अब तक हो पाया क्या? बिल्कुल, ऐसे का पता नहीं, शनिवार के दिन ये योग माया मंदिर है चिंतामन बाईपास रोड पर, जहाँ महाकाल थाना क्षेत्र में अंतर्गत लगता है, वहाँ पर रात्रि में ही वहाँ की जो मंदिर की संस्थापक माता हैं वो सो रही थी, उसी दौरान कुछ चोरों ने वहाँ पर जाकर चोरी की। और उसमें बताया जा रहा है 40 सोने के साथ कई ऐसे जेवरात हैं वो भी ले गए और कई कैश भी वहाँ से ले गया, लगभग 50 लाख की चोरी का बताया जा रहा है कि वहाँ से चोर का सामान ले गए। उस पर पुलिस अधीक्षक की निगाह थी और जैसी शिकायत पहुंची तो उन्होंने टीम अलर्ट की और कहीं ना कहीं सुराग भी हाथ लग जाएगा, कुछ ही देर में हो सकता है कि चोरों का खुलासा भी किया जा सकता है। आप देख रहे पूरी तैयारी कर रहे पुलिस अधीक्षक भी इस खुलासे को लेकर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार चोरों ने चोरी को अंजाम तो दे दिया लेकिन चोरी करने वालों का बाद में क्या श्रेय होता है, खुद पुलिस उनको सबक भी सिखा दे। सर, एक बड़ी चोरी का अंजाम दिया गया, आपने उसको सुराग के माध्यम से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, क्या किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है? एक योग माया आश्रम है, वहाँ पर हमारे जो संत रहते हैं उनके आश्रम में चोरी हुई है, जिसमें कुछ सोने के आभूषण और भगवान के श्रृंगार की चीज़ें हैं वो वहाँ से चोरी गई थी। उसमें हम लोगों ने, हमारी टीम कल से लगी हुई थी, उसमें कुछ संदेहों को हिरासत में लगाया, जल्दी उसका खुलासा होगा। सर, कहीं ना कहीं चोर चोरी को अंजाम तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार उज्जैन पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहती है, उसके बाद जो श्रेय होता है उसके बारे में नहीं सोचते वो लोग? अब ये इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि पहले तो घटना ना हो और अगर घटना हो तो जल्दी से जल्दी उसका खुलासा हो, जिससे जो हमारे निसहाय और गरीब व्यक्ति हैं उनका जो सामान है वो उनको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। सर, कितने चोरों ने चोरी को अंजाम दिया था? अभी इसमें कुछ 3-4 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया हुआ है, सभी के रोल को हम लोग असेस कर रहे हैं और उसके बाद ही उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा थे, उन्होंने बताया चोरों के ने चोरी तो कर ली है, उसके बाद सुराग भी मिल गया है, तो 3-4 चोरों को अभी हमने हिरासत में भी लिया है, कुछ ही देर के बाद। चलिए देखते हैं कि पुलिस आखिर कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया।